गणपति बाप्पा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम रणवीर चौहान, आप देख रहे हैं टेक आरसी। गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू वीडियो में। गाइस अपने वीडियो का स्टार्टिंग प्रीव्यू वीडियो में आपने गणपति बप्पा की स्टेटस देखी थी। आप उस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे बना सकते हो, बिल्कुल ही सिंपली वैसे। और गाइस इस तरह का एडिटिंग काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो गाइस इस वीडियो का ट्यूटोरियल वीडियो मैं आज लेकर आया हूं। तो गाइस ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा मैं इसमें डिटेलिंग से बताया हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज उस तरह का वीडियो आपको बनेगा काइन मास्टर ऐप से। तो गाइज हम ओपन कर लेते हैं अपने काइन मास्टर ऐप को। सो गाइज यहाँ पर हमारा काइन मास्टर ऐप जो है कि ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद गाइज यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे 1:1 का एक इम्पटी प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। प्रोजेक्ट ओपन हो जाने बाद गाइज यहाँ पर हम गणपति जी की पिक्चर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो गाइज हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए गाइज हम यहाँ से कुछ 10-11 पिक्स हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। गाइज मैं यहाँ पर जो भी मटेरियल्स यूज़ करूँगा सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहुँच जाकर ये सब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर हम 10 पिक्चर को ऐड करके ओके कर लिए। गाइज इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करके गाइज पिक्चर पे टैप करके सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको क्या करेंगे गाइस, सारे को एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस देखिए इस तरह से हम सारे को एक एक करके एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस सारे को एक एक करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। गाइस तरह क्योंकि सबका साइज अलग अलग होता है, इसलिए इस तरह से हमें क्या करना है, जूम करना है। और जूम करके यहाँ पर इक्वल वाला कर लेना है, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट में भी सेम और एंड पॉइंट में भी इसका सेम साइज रहे। तो गाइस इस तरह से इसको जूम करना है, इक्वल कर लेना है। तो देखिए गाइस हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर लें। तो देखिए गाइस हमने बस सारे ही पिक्चर को एडजस्ट कर ही लिया, ये लास्ट पिक्चर है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लिया। अब देखिएगा इसको क्या करना है, अब इसमें हमें गाइज ऐड कर लेना ट्रांजेक्शन इफेक्ट को। तो यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ढेर सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप चले जाइएगा काइन मास्टर के सेट स्टोर से, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। तो गाइज यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए मैंने कौन कौन से यहाँ पर ट्रांजेक्शन को डाउनलोड किया, ट्रांजेक्शन इफेक्ट को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिए। तो गाइज हम एक एक करके इसमें यूज़ करते हैं। देखिए गाइज स्पीडी रैप को हम यूज़ करते हैं और पूरा फास्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सब में एक एक करके यूज़ कर लेंगे, मिक्सिंग ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे, ताकि हमें वीडियो का एनिमेशन देखने में ताकि अच्छा लगे, काफ़ी सुंदर लगे, इसलिए हम एक एक करके अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह सारे को यूज़ कर लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लीजिए। तो गाइज मुझे जो जो पसंद है मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। इस तरह से गाइज एक एक करके आपको सारे को यूज़ कर लेना होगा। देखिए गाइज यहाँ हमने टोटल में ऑलमोस्ट टोटल में लगा ही लिया है, कुछ और बचा हुआ है तो हम उसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए देखिए गाइज हमने टोटल में ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगा लिया है। इफेक्ट लग जाने के बाद गाइज इसको क्या करना है, जितना ही छोटा हो सके हमें इसको उतना छोटा कर लें। तो देखिए गाइज इस तरह से हम इसको स्लाइड करके छोटा कर लेंगे। तो वीडियो जितना हो सके, आपको पिक्चर यहाँ पर कट हो सकता है, छोटा स्मॉल हो सकता है, आप उतना यहाँ से स्मॉल कर लीजिएगा। इस तरह से आपको सारे को स्मॉल कर लेना है गाइज। देखिए गाइज हमने सारे को इससे करके छोटा कर लिया। अब यहाँ पर हम आपको प्ले करके दिखला देते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पर एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फुल HD 1080 पिक्सल पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
तो देखिए गाइज हमारा जो है कि वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद गाइज हमको बैक आ जाना है। बैक आके फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 1:1 रेशियो का एक इम्पटी प्रोजेक्ट फिर से ले लेंगे और यहाँ पर ब्लैक एक बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करके गाइज इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा हो जाने के बाद गाइज यहाँ पर क्या करना है, एक हम यहाँ पर मटेरियल का यूज़ करेंगे। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, यहाँ पर मैंने वो मटेरियल को रखा है तो यहाँ से उसको हम ऐड कर लेते हैं, जो कि गणपति बप्पा मोरिया का यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे स्केल डाउन और इसको पूरा फास्ट कर लेंगे। यहाँ पर आउट एनिमेशन में इसको फेड 0.5 कर लेंगे और इसको जहाँ तक एंड तक कर लेना है। एंड तक करके गाइज पे क्लिक करके गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट में जाना है, इसका ब्राइटनेस को फुल कर देना है जिससे कि ये ब्लैक से वाइट हो जाएगा। गाइज इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर से आपको यहाँ पर गणपति की एक दो पिक्चर यहाँ पर ऐड कर लेनी, तो मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाके यहाँ से हम पिक्चर से ऐड कर लेते हैं। देखिए गाइज हम यहाँ पर दो पिक्चर यहाँ पर ऐड कर लिए, ऐड करके इन दोनों को उसी तरह से एडजस्ट करके इक्वल कर लेना है। फिर से यहाँ से क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर इक्वल कर देना है। गाइज यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर नियोन हैला को यहाँ ब्लू वाला यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको इतना रखेंगे गाइज, देखते हैं कितना में अच्छा लगता है। यही ठीक लग रहा है, इससे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, इतना रखते हैं गाइज। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं एडजस्ट, तो देख लेते हैं गाइज यहाँ पर एक बार प्ले करके कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे गाइज, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे क्रोमेटिक ग्लिच। क्रोमेटिक ग्लिच सब आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सेट स्टोर से। तो देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब एडजस्ट करके देखिएगा इधर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में इसका स्ट्रेंथ कर देंगे 1 और क्वालिटी कर देंगे एकदम पूरा 10 पे कर देंगे क्वालिटी और इसको कर लेंगे पूरा जहाँ तक यहाँ तक आपको लेना है, आप यहाँ तक एंड तक कर लीजिएगा, यहाँ तक आप इसको कट कर लीजिएगा। तो देखिए गाइज यहाँ तक ये कट हो गया, कट हो जाने के बाद गाइज अब यहाँ पर आपने जो एक्सपोर्ट करके वीडियो रखा था हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर हम 2-3 बार इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए गाइज हमने ऐड कर लिया, ऐड करके गाइज आपको क्या करना है, म्यूज़िक को कर लेना है ऐड। तो यहाँ पर ऑडियो में जाके आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, बट गाइज मेरा म्यूज़िक जो है कि वीडियो में है, हम यहाँ पर उस वीडियो को ले लेते हैं। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम उस वीडियो को ले लेते हैं। तो देखिए गाइज हम उस वीडियो को लेकर यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, स्लाइड करके नीचे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे, वीडियो कर लेंगे डिलीट। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमारा जो है कि म्यूज़िक आ चुका है। तो गाइज आपको म्यूज़िक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज आपको जहाँ तक म्यूज़िक है वहाँ तक आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपने जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है उसको हम यहाँ से पहले कर लेते हैं डिलीट, बाकी और ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ कॉपी कर लेंगे। तो देखिए गाइज अब हम आगे जो है कि आपको मेरा वॉइस नहीं आएगा, आगे सिर्फ आपको वीडियो बताएंगे कि कैसे कैसे करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे पूरा मैं यहाँ पर जो भी एनिमेशन डालना मैं डालूँगा, मेरा उस वक्त वॉइस नहीं आएगा। तो गाइज देखिए पूरा एंड तक।
सो गाइस यहाँ पर हमारा जो है कि वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक यूज़ करेंगे ओवरली इफेक्ट को, तो गाइस उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारा मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर हम जाएंगे लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और गाइस यहाँ से हम कर लेते हैं उस ओवरले को ऐड। तो यहाँ से देखिए गाइस ओवरले को कर लेते हैं ऐड। ऐड करके स्टार्टिंग में थोड़ा उसका पार्ट जो है कि कट कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लैक जैसा है, तो इसको आगे कर लेते हैं। और आगे करके इस पर हम क्लिक करके गाइस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको फुल कर लेंगे, और फुल करके गाइस पे फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाना है गाइस, जो इसको कर लेना स्क्रीन, और स्क्रीन करके गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं म्यूज़िक को कर लेते हैं म्यूट, और आपको करते हैं प्ले करके आपको दिखला देते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इस कारण से मैं उसको म्यूट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए वीडियो कैसा बना है। सो गाइज यहाँ पर वीडियो जो है कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेम को ऐड कर लेते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद गाइज यहाँ पर मैंने वो फ्रेम खुद से बनाया, तो यहाँ पर देखिए उस फ्रेम को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर करके इसको फुल कर लेते हैं, फुल करके इसको स्लाइड करके इसको एंड तक ले जाते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा प्ले करके, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर लुक मिल जाता है। तो गाइज देखिए इस तरह का वीडियो बनाना कितना ही सिंपल था। तो गाइज वीडियो बन जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कर लेना है आपको एक्सपोर्ट। तो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं पूरा एक्सपोर्ट करके आपको नहीं दिखलाता। तो गाइज ये देखिए वीडियो बनाना कितना ही आसान था। गाइज इस तरह का जो एडिटिंग है काफ़ी अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो गाइज आप भी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। तो गाइज ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और गाइज हम इसी तरह का वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइज हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।